नागपुर छिंदवाड़ा राष्ट्रीय महामार्ग पर दहगा और रंगारी पुलिया पर बुधवार की रात 9:30 बजे अपघात हुआ है। वाहन ने दुपहिया वाहन चालक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें दुपहिया वाहन चालक की मृत्यु हुई। इस घटना में दुपहिया स्कूटी चालक नागपुर के महात्मा फुले बाजार निवासी 44 वर्षीय शेख इस्माइल शेख इब्राहिम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया है। टक्कर की आवाज सुनकर लोग पुलिया पर पहुंचे। लोगों ने घटनास्थल से खापरखेड़ा पुलिस को जानकारी दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, हाईवे पुलिस भी घटनास्थल पहुंची। सावनेर के हितेश बंसोड़ उनके एम्बुलेंस से घटनास्थल पहुंचे। मृत शेख इस्माइल शेख इब्राहिम का शव उठाकर वे मेयो अस्पताल नागपुर ले गए। मृतक सावनेर मार्ग से जा रहा था, पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मृतक शेख इस्माइल शेख इब्राहिम दुपहिया स्कूटी वाहन क्रमांक MH 31 AK 93 61 से जा रहा था। इस टक्कर में दुपहिया स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। पुलिया के सभी स्ट्रीट लाइट बंद होने से पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन को दुपहिया वाहन दिखाई नहीं दी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बात खापरखेड़ा थाने के थानेदार चंद्रकांत काले इन्होंने बताई। खापरखेड़ा थाने के प्रीतम निंगरे, लक्ष्मी मलकुलवार, किरण शेवाले, स्वप्निल बोंडे, बंडू कोकाटे, गीतेश झराने आदि इस समय मौजूद थे। खापरखेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। दहगा रंगारी से NBC न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।